करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम जैसा कि ये है बायो कैटलिस्ट, एंजाइम को बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। क्या है भैया, ये है बायो और ये है कैटलिस्ट, मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, ठीक है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, कैसे, ये आपके एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके। इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। एग्जैक्टली आप इसको समझ सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है क्या करने के लिए, CSIR को क्रैक करने के लिए, ताकि वो PhD में एडमिशन ले सके, ठीक है, ये करता है। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है, इसमें इसकी काफ़ी एनर्जी लग रही होती, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है कि एक टीचर, एक एजुकेटर जो होता है वो कम कर देता है, जिससे कि इसका रास्ता आसान हो जाए। और कभी भी स्टूडेंट्स के हैप्पीनेस को कोई भी टीचर डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसके इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम चीज़ें समझेंगे और इस पीस एनालॉजी पर एक बार फिर से आएंगे। तो एंजाइम जो होते हैं बेसिक ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो इट कैन बी मोनोमर और ओलिगोमर। मोनो का मतलब सिंगल यूनिट, ओलिगो का मतलब है मल्टीपल यूनिट। अगर मल्टीपल यूनिट जो है वो सेम हो जाएंगे तो इट शुड बी होमो, एंड अगर हेट्रोट्रॉफिक, होमोट्रॉफिक, हेट्रोमेरिक, अगर ये होमोमेरिक है, हेट्रोमेरिक है, उस पर हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमेना। लेट मी टेल यू कि इफ इट इज लाइक, ये जो है अगर आपके साथ जुड़ जाता है, ये यूनिट जो है मल्टीपल यूनिट सेम है, तो वी से इट एज इज होमोमेरिक, होमो हो जाएगा और ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अगर ये मल्टीपल यूनिट डिफरेंट हो जाएंगे तो दिस शुड बी लाइक हेट्रो वर्ड जुड़ जाएगा, हेट्रोमेरिक, ठीक है। बेसिक ऑफ नेचर के ऊपर जब हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर एंजाइम को क्लासीफाई किया जाए तो इट कैन बी कॉन्जुगेटेड और सिंपल। सिंपल एंजाइम्स के पास सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, जबकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम के पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं एंड सम ऑल्सो प्रोटीन पार्ट होते हैं। सो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जनरली नोन एज होलो एंजाइम, इसको होलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है, जिसका कि एक होता है प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज को एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं, को एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और ये को एंजाइम जो होते हैं, या को नॉन प्रोटीनियस पार्ट कैन बी को फैक्टर और को द एंजाइम, वो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कोई भी एक एंजाइम जो क्या करता है कि किसी भी एंजाइम, एक प्रोटीनिशियस नेचर के भी होते हैं एंड आरएनए नेचर के भी होते हैं, इनके पास एक साइट होती है जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। इस साइट को, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, इस साइट को बोला जाता है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। और इसके अलावा इसके पास जितनी भी साइट्स होंगी, दे ऑल नोन एज एलोस्टेरिक साइट, अदर देन एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। अब इस पे कोफैक्टर बाइंड करे, इनिबिटर, एक्टिविटर क्या बाइंड करे, वो डिपेंड करता है। जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है दैट इज नोन एज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट उसको बोला जाता है। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं एंड आरएनए नेचर के भी होते हैं। सम एंजाइम्स आर आरएनए नेचर विच इज़ नोन एज राइबोजाइम। राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए नेचर के होते हैं, जो आरएनए अपना एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे होते हैं। एंजाइम जनरली बायोकैटलिस्ट, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, बट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम थिंग, ठीक है, अफेक्ट नहीं करता। तो इसमें एक चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं को एंजाइम एंड को फैक्टर वाली बात। दिस इज को एंजाइम एंड को फैक्टर वाली बात बात करते हैं। तो को फैक्टर इज इनऑर्गेनिक, को एंजाइम इज ऑर्गेनिक। जनरली को एंजाइम जो होता है दैट इज वाइटामिन, को एंजाइम जो होता है वो वाइटामिन ही होते हैं, ठीक है। को एंजाइम जो होता है वाइटामिन आ जाता है। तो लेट्स सी कि को एंजाइम्स जो कि वाइटामिन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से को एंजाइम्स होंगे चलेंगे। तो वाइटामिन डिस्कस करें तो वाइटामिन में वाइटामिन ई, K2, DA, ये कुछ वाइटामिन जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, ई, K2, DA,
ई फॉर टोकोफिरॉल, के टू फॉर मेनाक्विनोन, डी फॉर कैल्सिफिरॉल, ए फॉर बीटा कैरोटीन। ये विटामिन ई का नेम टोकोफिरॉल होता है, के टू का मेनाक्विनोन है, डी कैल्सिफिरॉल एंड ए का बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक्टिव फॉर्म में रेटिनल या रेटिनोइक एसिड्स होते हैं। रेटिनल इज फॉर विजन एंड रेटिनोइक एसिड इज फॉर ग्रोथ फैक्टर। एंड कैल्सिफिरॉल का फंक्शनल फॉर्म कैल्सिट्रायोल होता है, दैट इज फॉर द बोन ग्रोथ। एंड टोकोफिरॉल इज यूज फॉर एंटीऑक्सीडेशन एंड एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। एंड के टू इज यूज फॉर ग्लूटामेट कावा कार्बोक्सिलेशन इन द ग्लूटाथायोन, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, नाउ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के तरीके से भी काम आता है। ये विटामिन जो होते हैं द फैट वॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन डज नॉट एक्ट एज कोएंजाइम। ये जो होते हैं कोएंजाइम की तरह काम नहीं कर रहे होते। तो विच एंजाइम विल एक्ट एज अ कोएंजाइम, कौन से ऐसे एंजाइम होंगे जो कोएंजाइम की तरीके से काम करेंगे, उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो दैट आर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं ये कोएंजाइम की तरीका से काम करते हैं, उसमें भी खासकर बी वाले पार्ट। ठीक है, जिसमें कि बी के अलग अलग हिस्से होते हैं, B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12। इसमें जो होता है आपका B4 नहीं पाया जाता, B जो होता है 8 नहीं होता है, उसके बाद 10 और 11 नहीं होते। 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12 तो ये जो होते हैं आपके नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके साथ बाकी जो होते हैं 12 तक, 1 से लेके 12 तक B1 के सारे फैक्टर्स होते हैं। B1 विल नोज एज थियामिन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, B5 इज पेंटाथेनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B7 इज बायोटिन, B9 इज फॉलिक एसिड, B10 इज कोबालामिन। दीज आर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर विटामिन्स। इनके को फैक्टर्स के नाम भी होते हैं, थियामिन से TPP, थियामिन पारोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, राइबोफ्लेविन से एफ फ्लेविन, फ्लेविन एडिनोन्यूक्लियोटाइड FADH2, नियासिन, नियासिन का जो आपका NADH आ गया, पेंटाथेनिक एसिड, को एंजाइम ए, पैराडॉक्सिन पैराडॉक्सल फॉस्फेट, बायोटीन का बायोटीन है, फॉलिक का टेट्राहाइड्रोफोलेट है, कोबालामिन का कोएंजाइम B12 एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे होता है। नाउ इसके बाद जो हो जाता है कि इन सब केसेस के बाद अगर हम बात करें तो यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है एक चीज़, दैट इज प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेशन और रिडक्शन, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेशन और रिलेक्शन, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेशन या लाइसिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, इन पर्टिकुलर किसमें, कोलेजन सिंथेसिस में। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि देयर इज लाइक ग्लाइसिन प्रोलीन और एक्स, यहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जुड़ता था, यही तो बताया था, ग्लाइसिन प्रोलीन और एक्स यहाँ पे जुड़ता था कोलेजन में, और इसके लिए हाइड्रोक्सिलेशन जरूरत होता है जिसमें विटामिन सी की जरूरत होती है। इसी वजह से जब विटामिन सी नहीं मिल पाता है तो कोलेजन फाइबर डिग्रेड होते हैं और आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो होता है इसी वजह से हो जाता है, बिकॉज कि नॉर्मली विटामिन सी नहीं मिलने की वजह से कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कौन कौन से जो आपके विटामिन से कौन कौन से ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं विथ अ कोड। चलिए कोड के ऊपर चलते हैं फिर। कोएंजाइम्स जो एक्चुअली काम करते हैं ऑर्गेनिक, दैट विटामिन बी, विटामिन बी एक्ट एज अ को एंजाइम फॉर वेरियस पर्टिकुलर एंजाइम्स। नाउ दी हैज द 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। इनके जो नॉर्मली नाम और उसके एक्टिव फॉर्म है, दीज आर द नेम एंड दीज आर द एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म इस तरीके से अरेंज है। एक्टिव फॉर्म को याद रखने का जो कोड है दैट इज़ वेरी सिंपल, द फैंटास्टिक चंगू प्यारा बेस्ट फ्रेंड चंगू, दैट फैंटास्टिक चंगू का प्यारी, या यहाँ पे प्यारी लिख सकते हो, प्यारी बेस्ट फ्रेंड चंगूबाई है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात है। टी पहला स्टार्ट है, द टी थियामिन पैरोफॉस्फेट, उसके बाद फैन फैंटास्टिक FADH2, एन NADH2, दैट सी चंगू को एंजाइम, पी पैराडॉक्सल फॉस्फेट प्यारा, बी फॉर बायोटीन, एफ फॉर टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड सी बी फॉर कोएंजाइम B12।
दिस इज द नॉमेनक्लेचर, याद हुआ? चलो याद हो गया तो अच्छी बात है कि ये जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा कोएंजाइम, जैसा कि आपका चल रहा था। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं देहात में भी कोरोना हो गया, घूमने गया था अपने बेस्ट फ्रेंड चंगू भाई से मिलने गया था तो कोरोना हो गया। कैसे देखिएगा, दिस थियामिन पायरोफॉस्फेट फॉर डी ई एच ए टी, देहात में कोरोना हो गया, ठीक है। सो डी इज फॉर डी कार्बोक्सिलेशन, थियामिन पायरोफॉस्फेट फॉर द डी कार्बोक्सिलेशन हियर, एफ फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एन फॉर प्रोटॉन ट्रांसफर, सी फॉर एसाइल ग्रुप ट्रांसफर, को एंजाइम ए फॉर एसाइल ग्रुप ट्रांसफर, पैराडॉक्सल फॉस्फेट फॉर ट्रांस अमिनेशन, बायोटिन फॉर कार्बोक्सिलेशन, टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर वन कार्बन ग्रुप ट्रांसफर, एंड बी ट्वेल्व फॉर द रीअरेंजमेंट। दीज आर द वेरियस कोएंजाइम्स एंड विच ग्रुप दे वर्क, ये जो है आपका केस हो गया। द प्यारा द फैंटेस्टिक चंगू की जो चंगू का प्यारी बेस्ट फ्रेंड या चंगू की प्यारी बेस्ट फ्रेंड जो है वो चंगू भाई है, उसके बाद देहात में घूमने गए तो कोरोना हो गया, ये ध्यान देना। ये सारे के सारे जितने भी बी वाइटामिन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोएंजाइम्स का काम कर रहे होते हैं। यू कैन सी यर कि कौन किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना जाता है। इसके साथ देयर आर सम को फैक्टर्स, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर इनऑर्गेनिक, जैसे कि दे आर जनरली द मेटल आयंस, क्या होते हैं, दे आर द मेटल आयंस जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द कैटेलिटिक एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर कैटेलिटिक एक्टिविटी, कैटेलिटिक एक्टिविटी के लिए जो होते हैं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर कैटेलिटिक एक्टिविटी, जैसे आयरन 2+ और 3+, जितने भी आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस जितने भी आपको ऑक्सीडेजेस मिलेंगे ज़्यादातर, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, जैंथिन ऑक्सीडेज, आयरन मिलेगा। कुछ आपके कॉपर भी मिलते हैं, जैसे लाइसिल ऑक्सीडेजेस हो गए, सुपर ऑक्साइड डिसमिटेजेस हो गए। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे पोटेशियम, ये नॉर्मल चीज़ों पे बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, जो जो चीज़ें मैं ध्यान दे रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। पहला पोटेशियम यूज़ होता है पाइरूवेट काइनेज से, इसके साथ साथ निकल कहाँ यूज होता है, यूरिएज में, इसके साथ साथ मॉलिबेडनम कहाँ यूज होता है, डाई नाइट्रोसिनेज में, इसके वेनेडियम भी यूज होता है बट मॉलिबेडनम मेजरली यूज होता है। दैट आफ्टर दैट देर इज जिंक, एनहाइड्रेजेज में यूज होते हैं, डिहाइड्रोजिनेजेज में यूज होते हैं, सम Mn2+, Mg2+, जो कि अलग अलग एंजाइम्स में यूज किए जाते हैं कॉमनली। सो दीज आर सम एंजाइम्स जो कि आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि इसमें कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स जो इसमें आप, कई लोग सोचेंगे कोड बताना है कि सर ये कोड बता दो वो कोड बता दो, तो बेटा कोड बहुत ध्यान इसमें करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना के से के, ठीक है। बहुत सिंपल सा पंगा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ कुछ का रखोगे बाकी अपने आप आ जाएगा। देखो ये है के, ये है के, काइनेजेस के, पाइरूवेट काइनेज के हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन यूज़ द K2 रूल, आप K2 रूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर K2 रूल नहीं आ रहा है तो क्या करो, आप ये कर सकते हो कि यूनाइटेड नेशन में जाके पता कर सकते हो दैट यूरिएजेस में क्या पाया जाएगा, निकिल पाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यू कैन से यूनाइटेड नेशन में जा सकते हो, बाकी मर्जी है आपकी, अगर ये सारी चीज़ें हो जा रही यूनाइटेड नेशन में, नहीं तो क्या करना है कि डाई नाइट्रोजिनेजेस में जाके आपको मौन रख लेना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में जाके मौन रख सकते हो, दैट फॉर मॉलिबेडनम फॉर नाइट्रोजिनेज, ठीक है, मौन रख लो। तो K2 रूल सीख लो या यूनाइटेड नेशन में जाके मौन रख लो, इतना तीन आपने ध्यान रखा। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया था, आयरन और कॉपर जनरली ऑक्सीडेजेस में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ये ज़्यादातर ऑक्सीडेजेस के लिए होते हैं, ठीक है, और आपका सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, यू कैन यूज़ द कोड, आप इस पर कोड भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। तो यूनाइटेड रेशन जो था कि K2 सीख लो, यूनाइटेड नेशन में कोरोना फैल गया तो मोर रखना पड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ कर सकते हो। लेट मी सी दैट, देखिएगा इसको कोड इस तरीके से कर सकते हैं, यूनाइटेड यहाँ पे दैट ये हो जाएगा क्या, यूरिएज में निकल, यूनाइटेड में क्या था, यूनाइटेड नेशन में के एक सिंगर है, यूनाइटेड में के जो है, यूनाइटेड नेशन में कोरोना फैल गया, ठीक है। कोरोना क्यों बोल रहा हूँ ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन में सी ओ आर ओ एन ए दैट
कॉपर इज यूज ज्यादा फॉर ऑक्सीडेजेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कोरोना फैल, आयरन भी ऑक्सीडेजेस के लिए यूज होता है। कोरोना फैल गया, यूनाइटेड नेशन में कोरोना फैल गया, के, ठीक है, के ने दैट पोटेशियम, के ने मौन रख लिया। इसको क्या बोलोगे? मौन बोलना है, मौन। या के मंडे को वापस आ गए, जो भी है आप इस तरीके से रख सकते हो। दिस काइंड ऑफ कोड यू कैन यूज इट फॉर द इनऑर्गेनिक कोड, ठीक है। नाउ इसके अलावा एंजाइम क्लासिफिकेशंस में यू कैन यूज द ओटलेल, ठीक है। दैट शुड बी अगेन OTHLIL। सिक्स क्लासिफिकेशन इज देयर, सिक्स क्लासिफिकेशंस ओटलेल का यूज कर सकते हो। ओ फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी फॉर ट्रांसफरेज, डी फॉर हाइड्रोलेज, एल फॉर लाइएज, आई फॉर आइसोमेरेज एंड ले फॉर लाइगेज। नाम से पता चल रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, दैट शुड बी रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप, जैसे फॉस्फेट वगैरह। हाइड्रो मतलब वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एंड लाइएजेस, ब्रेक और ट्रांसफर ऑफ द बॉन्ड्स विद आउट ATP, ठीक है। नो ATP विल बी देयर, ध्यान। लाइएज में किसी भी ATP की जरूरत नहीं होती, बट इन द केस ऑफ लाइगेजेस, लाइगेजेस में ATP की जरूरत होती है। लाइएजेस और लाइएजेस जनरली ये रीअरेंजमेंट, ज्वाइनिंग सब के लिए पाए जाते हैं और ATP की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसके साथ साथ अब कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, लाइक एक्टिविटी या यूनिट जो होते हैं उस पे बात करेंगे, उस चीज़ों पे हम चलेंगे। तो एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड ऑल, तो देयर इज मल्टीपल यूनिट्स यूज्ड। क्लासिकल एंड मॉडर्न यूनिट को यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्लासिकल यूनिट से आते हैं, जिसमें इस तरीके से एक्टिविटी बताई जा रही है, ठीक है। किसी भी एंजाइम का डेफिनेशंस को, ये कई अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, व्हाट आर दिस, एंड विल गो फॉर लाइक सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंजाइम एक्टिविटी? एंजाइम एक्टिविटी इज द माइक्रोमोल पर मिनट। इट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 माइक्रोमोल पर मिनट, 1 माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट इनटू द प्रोडक्ट पर मिनट। ये है आपका क्लासिकल यूनिट, जो यूनिट जिसको बोला जाता है। यूनिट ऑफ एंजाइम इज माइक्रोमोल पर मिनट, माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट पर मिनट, ये जो है आप यूज करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एक्टिविटी, इट इज MG पर एंजाइम। इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन। ये पहले आप जो एक्टिविटी यहां से निकालो, उसके बाद आप क्या करो, उसको एंजाइम को पर मिलीग्राम, पर MG, ठीक है। देखिए एक्टिविटी यू कैन कैलकुलेट माइक्रोमोल ऑफ सब्सट्रेट पर मिनट एंड दिस इज इन MG। नाउ व्हाट इज मॉलिकुलर एक्टिविटी, दिस इज यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो था, एक्टिविटी डिवाइडेड बाई माइक्रोमोल ऑफ द एंजाइम। यहाँ पे मिलीग्राम नहीं, माइक्रोमोल बोलते हैं, इसको हम मॉलिकुलर एक्टिविटी के भी नाम से जानते हैं, मॉलिकुलर एक्टिविटी। दूसरे शब्दों में जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो यही हमारा टर्न ओवर नंबर भी होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्न ओवर नंबर, एक्टिविटी डिवाइडेड बाई टोटल एंजाइम इन माइक्रोमोल, ठीक है। ये चीज़ जो होती है, ये तीन चीज़ें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड मॉलिकुलर एक्टिविटी, तीनों का यूनिट आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाए, ठीक है। एक्टिविटी को दो, एक क्लासिकल, एक आपके मॉडर्न यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। उन चीज़ों पर जाने से पहले लेट मी लाइक कुछ मुझे बता लेने दीजिए। पहली चीज मैंने क्या बताया कि ये जो है एक्टिविटी, तीन पैरामीटर, एक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटी, उसके बाद मॉलिकुलर एक्टिविटी, एंड मॉलिकुलर एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज टर्न ओवर नंबर, ठीक है, मॉलिकुलर एक्टिविटी। ये चीज़ जो होती है यहाँ पे आती है, एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, मॉलिकुलर एक्टिविटी। एक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटरनेशनल यूनिट्स और इन कैन बी द कैटल। इंटरनेशनल यूनिट को वील से दैट दिस इज माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट एंड कैटल दैट मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड। दिस इज द थिंग, ठीक है, ये होता है एक्टिविटी। इनका इंटर रिलेशन भी निकाल सकते हो,
इनका इंटर रिलेशन भी निकाल सकते हो कि अगर हम बात करें, देखिए कि अगर इसको मोल पर सेकेंड में रखा जाए, ठीक है, नॉर्मली अगर हम बोले तो वन कैटल इज इक्वल टू 6 × 10⁷ इंटरनेशनल यूनिट। देखो ये माइक्रो में तो छोटा यूनिट है, ये मोल में तो बड़ा है, तो हमेशा ये इस तरीके से होगा, पावर इसमें मल्टीप्लाई होगा, बड़ा यूनिट ये है कैटल, इसी वजह से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ये। और कैसे कर सकते हो, बिकॉज माइक्रो को 10⁻⁶ रखो यहाँ पे, इसको 60 रखो मिनट को, और इसको इधर भेज के कैलकुलेट कर लो, अपने आप पता चल जाएगा ये मोल पर सब सेकेंड में आ जाएगा, और अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो वन कैटल इज इक्वल टू 6 × 10⁷ यूनिट। ये है जो कि एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का तरीका। जब भी आप इंटरनेशनल यूनिट इस तरीके से कैलकुलेट करते हो ना, ठीक है, कई लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एक इसका एक और फॉर्मूला होता है मॉडर्न यूनिट्स में, मॉलिकुलर एक्टिविटी का भी फॉर्मूला होता है। मैं आपको बस इतना सा हैक बता रहा हूँ, देखो ये दोनों स्पेसिफिक एक्टिविटी हो या मॉलिकुलर एक्टिविटी हो, ये दोनों एक्टिविटी पे डिपेंड करते हो। तो आपको कुछ भी दिया रहे, आप सबसे पहला काम एक्टिविटी कैलकुलेट करने का करो, एक्टिविटी कैलकुलेट करो। अगर आपके एक्टिविटी कैटल में है, अगर आपके पास इंटरनेशनल यूनिट है, तो देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास एक्टिविटी कैटल में आ रही है, यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले इसको इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करो, एंड देन अगर आपसे फिर इन दोनों को कंबाइन करो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, और या इनको कंबाइन करो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हो। सो एक्टिविटी कैलकुलेट करना है इंटरनेशनल यूनिट में। इंटरनेशनल यूनिट का मॉलिक्यूलर यूनिट क्या है, यहाँ पे एंजाइम के क्वेश्चंस में खासकर इस स्पेसिफिक टॉपिक पे यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर यूनिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट फर्स्ट। यूनिट के ऊपर जब हम बात करते हैं तभी आपका केस हो पाएगा। यूनिट के ऊपर जब बात करेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक्टिविटी का यूनिट होता है माइक्रोमोल पर मिनट, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटी का जो यूनिट होता है, दैट इज एक्टिविटी मतलब माइक्रोमोल पर मिनट पर एमजी ऑफ एंजाइम, दिस इज ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। नाउ इसके बाद होता है मॉलिकुलर एक्टिविटी या टर्न ओवर नंबर, दैट इज टी ओ एन के नाम से लिखा जाता है, टर्न ओवर नंबर। ये होता है माइक्रोमोल पर मिनट पर माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब ये तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, माइक्रोमोल पर मिनट दिस इज एक्टिविटी, उसके बाद ये एमजी में होगा और ये माइक्रोमोल में होगा। किसी भी चीज़ को मोल कैलकुलेट करने का आपको पता है, दैट इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है। लेट मी से यू टेल यू, लाइक यू नो दैट मोल के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट मोल कैलकुलेट करने का होता है वो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये होता है। और माइक्रोमोल कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट शुड बी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइक्रोमोल। ऊपर नीचे करोगे, ऊपर वाला नीचे जाएगा, देखो ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। ये जब हो जाएगा तो आपका ये इस 10⁻⁶ को तो माइक्रो लिखते हो ना, तो ये वैल्यू 10⁻⁶ रह जाएगी, ये इधर माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना यूनिट कन्वर्जन का, जब भी आप लोअर में जाते हो तो पॉजिटिव साइन में मल्टीप्लाई करते हो, यानी एक होता है जैसे ग्राम हो गया, उसके बाद मोल हो गए, उसके बाद आपके लीटर हो गए, इसमें जब आप जाते हो ये मिली में जाएंगे, मिली लीटर में, तो आप जब इससे जाते हो तो 10³ का मल्टीप्लाई करोगे। मिली से जब आप माइक्रो में जाओगे तो आप 10³ और इनसे डायरेक्ट अगर माइक्रो में जाओगे तो 10⁶ का मल्टीप्लाई करोगे। अगर मिली से आप इस पे जा रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 10⁻³। अगर आप इससे जा रहे हो तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन डायरेक्ट अगर जा रहे हो तो 10⁻⁶ का। हमेशा देखना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो कि नीचे से ऊपर की तरफ, वो उसी हिसाब से पावर है। ये देखो मोल से माइक्रो जा रहा है नीचे की तरफ, यानी 10⁻⁶ डायरेक्ट, ठीक है। नाउ माइक्रो मोल कैलकुलेट करने का इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो एंजाइम की बात की जाती है उसका वेट कितना, उसका मॉलिकुलर वेट कितना है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है। स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक्टिविटी के फॉर्मूला पे ध्यान देना, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक्टिविटी शुड बी माइक्रो मोल पर मिनट, ये होता है एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट शुड बी एक्टिविटी डिवाइडेड बाई एमजी ऑफ एंजाइम, एंड मॉलिकुलर एक्टिविटी और टर्न ओवर नंबर शुड बी
एक्टिविटी डिवाइडेड बाय माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम। क्लियर है, डन। तो ये तीन फॉर्मूलेज आपको क्लियर कट पता होने चाहिए। तो चलिए इस पे कुछ प्रैक्टिस कर देते हैं, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि व्हाट आर दोस क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि 200 माइक्रोमोल ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन 10 मिनट, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन इन 10 mg। ठीक है, 10 mg में इसका स्पेसिफिक क्या होगा, एंड व्हाट शुड बी द टर्नओवर क्या होगा व्हेन मॉलिक्यूलर वेट। मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, पहले देखते हैं इस पार्ट को। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखो, 200 माइक्रोमोल ऑफ द सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 200 माइक्रोमोल जो है वो सबस्ट्रेट का कन्वर्ट हो रहा है, कितने मिनट में, 10 मिनट में, 200 माइक्रोमोल इन 10 मिनट। अगर 10 मिनट में 200 है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे तो 20 आएगा, 20 माइक्रोमोल पर मिनट। ये यूनिट क्या है, इसी को तो हम यूनिट बोलते हैं ना एंजाइम का, दिस इज यूनिट, 20 यूनिट जो है इसकी एक्टिविटी है, 20 यूनिट्स जो है इसकी एक्टिविटी है। अब हम स्पेसिफिक एक्टिविटी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट एक्टिविटी डिवाइडेड बाई प्रोटीन इन एम जी, प्रोटीन एम जी में कितना दिया है 10 mg, वैल्यू रखो सीधे सीधे 2 माइक्रोमोल पर मिनट पर एम जी शुड बी द स्पेसिफिक एक्टिविटी, यही है आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगर इसी चीज को मैं बोल देता, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर एंजाइम का मॉलिकुलर वेट जो है वो 100 डाल्टन है, ठीक है, तो अब क्या होता है इसका टर्नओवर नंबर। सो टर्नओवर नंबर अब देखिएगा, टर्नओवर नंबर अब बोला जाएगा तो पहले आपको माइक्रोमोल अब एंजाइम का कन्वर्ट करेगा, माइक्रोमोल एंजाइम ये है वेट 10 mg, ये है मॉलिकुलर वेट 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया माइक्रोमोल, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ग्राम अपॉन, क्योंकि जनरली बायोलॉजिकल सिस्टम में डाल्टन, एक डाल्टन एक ग्राम के बराबर समझा जाता है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दिस इज 10⁻⁴ माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम। अब जब ये आपने माइक्रोमोल कन्वर्ट कर लिया तो यू नो दैट कि टर्नओवर नंबर इज इक्वल टू एक्टिविटी डिवाइडेड बाय दैट माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम। सो वी कैन से दैट दिस शुड बी लाइक, एक्टिविटी कितना था 20 था और ये कितना है 10⁻⁴, तो दे हो जाएगा 20 × 10⁻⁴ टर्नओवर नंबर, यानी कि दिस इज यूनिट्स पर माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम, दिस इज द यूनिट। क्लियर है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको जाइए और प्रैक्टिस करिए, आप आराम से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे और डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे।